नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का साइबर ऐप सॉल्यूशन में। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा प्रीपेड कार्ड के बारे में, प्रीपेड कार्ड को आप कैसे फ्री में ऑर्डर कर सकते हैं और प्रीपेड कार्ड को यूज़ करके आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। आप लोगों ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नाम सुना ही होगा। इसके साथ साथ जो पेमेंट गेटवे होते हैं, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और रुपे कार्ड, इनके बारे में भी बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन प्रीपेड कार्ड के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। तो चलिए मैं आपको आज बता देता हूँ कि प्रीपेड कार्ड क्या होता है। प्रीपेड कार्ड भी एक प्लास्टिक कार्ड है, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड की तरह। आप ऑनलाइन ऑफलाइन सभी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन जो है एटीएम से पैसे निकालना। इसके अलावा आप सभी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो तो इस काम में आप प्रीपेड कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। उस जब आप छोटी छोटी पेमेंट करते हो अपने डेबिट कार्ड से, वो सारे ट्रांजेक्शन अब आपके वॉलेट में होंगे, एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा मान लीजिए आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है या फिर कोई ऐसा फ्रेंड है जिसे आप अपना डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहते, हो सकता है वो ज़्यादा अमाउंट यूज़ कर लेते हैं, हो सकता है कि आपके अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस है, आप नहीं चाहते कि वो बैलेंस किसी को पता चले कि कितना बैलेंस है आपके अकाउंट में। इस काम में आप प्रीपेड कार्ड उनको दे सकते हैं। आप जितना मनी उनको ऐड करके देंगे उतने अमाउंट यूटिलाइज कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा हो सकता है कि आपके फैमिली में दो तीन मेंबर हैं, मम्मी पापा, और जिनके पास क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड कुछ भी नहीं है, तो आप भी उनको अलग अलग प्रीपेड कार्ड ऑफर कर सकते हो। जब उनको ज़रूरत पड़ती है पेट्रोल भरवाने की या फिर शॉपिंग की, तो आप भी उनको इजीली मनी लौटर कर प्रीपेड कार्ड दे सकते हो और वो प्रीपेड कार्ड से उस मनी को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। इससे बेनिफिट तो ये होगा कि आपको कोई एक्स्ट्रा सरचार्ज नहीं देना होगा, और कुछ सेलेक्टेड मार्केट भी है, रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी डिस्काउंट भी मिल जाता है प्रीपेड कार्ड से। तो ये भी एक बेनिफिट है प्रीपेड कार्ड यूज़ करने का। चलिए मैं आपको बता देता हूँ अभी कि प्रीपेड कार्ड कैसे फ्री में ऑर्डर करें। सबसे पहले इन तीनों एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। पीसेफ अगर आप किसी के रेफर लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको प्रीपेड कार्ड फ्री मिलेगा, उसके साथ साथ 50 रुपये का बोनस अमाउंट फ्री मिलेगा जो आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। जब मैंने डाउनलोड किया था मेरे पास कोई रेफर लिंक नहीं था, इसलिए मुझे सिर्फ कार्ड मिला है, 50 रुपये नहीं। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो कुछ ये इंटरफेस होगा आपका, और आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट डालना है। जब आपको 7 दिन के बाद कार्ड डिलीवर हो जाएगा, कार्ड एक्टिवेट करोगे, एक्टिवेट करने के बाद आपको 50 रुपये मिलेंगे और उस 50 रुपये को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपको इस एप्लीकेशन में मनी ऐड करना है तो आपको दूसरे बैंक का नेट बैंकिंग ओपन करना होगा, या फिर IMPS से किसी वॉलेट से IMPS के थ्रू मनी ऐड करना होगा। यहाँ पर कोई ऐड मनी करने का ऑप्शन नहीं है, आपको ट्रांसफ़र करना होगा दूसरे बैंक से। तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैं अपने बैंक से पैसे ऐड कर फिर आपके बैंक में ट्रांसफ़र करूँ, क्यों करूँ? अगर आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप उनको ये कार्ड प्रोवाइड करा सकते हो, एक फ़ायदा है। और नहीं तो आपको 50 रुपये तो मिल ही रहा है फ्री में, ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक कार्ड भी मिल रहा है फ्री में। इसके अलावा ये जो है एक RD अगर ओपन करते हो आप, सेविंग गोल्ड, मान लीजिए 500 500 500, मिनिमम तीन महीने के लिए आप ओपन करते हो 1500 रुपये का, आपको हर महीने 500 500 देना है, 1500 तो मिलेंगे ही, उसका इंटरेस्ट अलग मिलेगा आपको, और 150 रुपये अलग मिलेंगे 10%। इसका हमें भी आप ले सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। दिखा देता हूँ आपको दूसरी एप्लीकेशन UDO। इस दोनों एप्लीकेशन जो मेरे पुराने वीडियोस देख चुके हैं उनको पता होगा, मेरे पुराने वीडियोस देख के जिन्होंने डाउनलोड किया इस एप्लीकेशन को और KYC कंप्लीट कर लिया है, तो उनको ऑटोमेटिकली 7 दिन के बाद एक प्रीपेड कार्ड मिल जाता है। जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको KYC करना है, आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको जाना है प्रोफाइल में, नीचे कॉन्टैक्ट अस, और कॉल के थ्रू या फिर चैट के थ्रू इनको रिक्वेस्ट देना है कि मुझे KYC अपग्रेड करना है। फिर आपके होम एड्रेस पे एग्जीक्यूटिव आते हैं, एक फॉर्म सिग्नेचर करना होता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट देना होता है इनको फोटोकॉपी करके, तभी आपका KYC कंप्लीट होता है। जब आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको फ्री में एक कार्ड भेज देंगे, UDO कार्ड, ऐसे कार्ड का एक। तो जिन्होंने मेरे पुरानी वीडियोज़ नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक दे दूंगा। अगर आपको इस मनी ट्रांसफर करना है क्रेडिट कार्ड से बैंक में तो सबसे पहले आप वीडियोज़ देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लेना, उसके बाद ही कुछ करना। तीसरी वीडियो है ज़ेटा, ज़ेटा में भी वही सेम प्रोसेस है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको KYC अपग्रेड करना है, KYC डायरेक्टली यहाँ से हो जाता है ऑनलाइन आधार कार्ड से, 1 मिनट के अंदर, और उसके बाद 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपको फ्री में एक प्रीपेड कार्ड मिल जाता है। KYC कंप्लीट करने के बाद वॉलेट की लिमिट 1 लाख हो जाती है, आप 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन 20,000 रुपये आप ऐड कर सकते हो, ऐड मनी कर सकते हो। और अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद ट्रांसफ़र करने की कोशिश करना। अभी मैंने जितने भी आपको प्रीपेड कार्ड के बारे में बताया है वो सभी फ्री में मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ भी और भी वॉलेट्स हैं, और भी कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पर प्रीपेड कार्ड अवेलेबल है, लेकिन आपको पे करना होगा एक्स्ट्रा चार्जेस, जिसमें से आपको मिलेंगे ये ICICI पॉकेट्स। अगर आप यहाँ से फिजिकल
एक प्रीपेड कार्ड ऑर्डर करते हो तो आपको देना होगा इस कार्ड के लिए 100 रुपये प्लस 18% GST। नीचे है दूसरा कार्ड जिसके लिए आपको देना होगा 250 रुपये प्लस 18% का GST। तो जब आपको फ्री में प्रीपेड कार्ड मिल रहा है तो आप क्यों पैसे देके मंगवाओगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कैसे ऑर्डर करना है और आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, आपको क्या बेनिफिट है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब।